सलाम वालेकुम गाइज, ऑनलाइन मॉल में खुश आमदीद कहेंगे। ऑनलाइन मॉल आज जिस वॉच की अनबॉक्सिंग करने वाला है, मोस्ट डिमांडेड मॉडल है इस टाइम पे HK8 Pro Ultra स्मार्ट वॉच। तो चलो गाइज, इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लो जिन जिन लोगों ने नहीं करा हुआ। बड़ा बेहतरीन मॉडल है। इस वॉच की खास बात यह है कि अभी तक जितने भी क्लोन्स आए ना भाई, जितने भी क्लोन की दुनिया में क्लोन्स आए ना भाई, अल्ट्रा में, सीरीज 8 में, ये तमाम वॉचेस का आप फादर कह सकते हो, अब्बू कह सकते हो, क्योंकि ये वॉच जो है इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट वॉच है। तो वो तो हम बाद में आपको दिखाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इसकी हम पैकिंग रिमूव करते हैं और ये हमने सील इसकी यहाँ से फाड़ के ओपन करते हैं और फिर आपको मज़ीद चेक करवाते हैं। तो ये इसका बॉक्स हमने ओपन कर लिया। आपको HK8 Pro कुछ इस तरीके से रखी हुई देखने को मिलेगी। मैं इसकी रैपिंग हटा देता हूँ यहाँ से। तो गाइज, मॉडल नंबर आपको यहीं पे पढ़ने को मिल जाएगा स्टार्ट में, HK8 Pro Ultra स्मार्ट वॉच, मल्टी फंक्शनल स्मार्ट वॉच है। बॉक्स के इधर कुछ भी नहीं है, इधर आपको रेड कलर का डॉट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको HK8 Pro टाइटेनियम केस 49mm पढ़ने को मिलेगा और बैक पे कुछ ये डिटेल्स हैं। एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले वॉच का बॉक्स ओपन करेंगे हम। जैसे ही वॉच का बॉक्स ओपन करेंगे, आपको एक अदद यहाँ पर मैनुअल मिलेगी HK8 Pro पढ़ने को मिलेगा। एक तरफ आपको चाइनीज़ एज यूजुअल मिलेगी पढ़ने को और दूसरी तरफ पर इंग्लिश। वेयरफिट प्रो कंपनी की ये वॉच है और जो वॉच है ना भाई, ये बिल्कुल एंड है। इसके बाद तो मैं कहता हूँ कोई वॉच है ही नहीं, बेहतरीन वॉच है। यहाँ पे आपको इसके कुछ डिटेल्स पढ़ने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं जनाब, ये देखें वॉच आपको कुछ अपनी डिवाइस तरीके से रखी हुई देखने को मिलेगी। यहाँ स्ट्रैप है और ये वायरलेस चार्जर है। वायरलेस चार्जर की क्वालिटी की अगर मैं बात करता चलूँ तो स्लिम सा चार्जर है, लॉन्ग केबल के साथ है, अच्छी क्वालिटी में। और अगर इसकी बात की जाए स्ट्रैप्स की, तो स्ट्रैप की बिल्ड क्वालिटी आप चेक करें, अगर कैमरा सही से फोकस कर रहा हो तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी में स्ट्रैप्स हैं। कलर्स भी बहुत ही इंग्लिश कलर है। तो गाइज, ये रही हमारे हाथ में डिवाइस HK8 Pro Ultra, जो बहुत ही कमाल की है। सबसे पहले हम इसकी रैपिंग रिमूव करते हैं। ये हमने इसकी रैपिंग रिमूव कर ली है। वॉच एकदम 49mm में आती है, सेम लाइक ओरिजिनल वाली साइजिंग में आती है। कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएंगी। पीछे आपको चारों स्क्रू मिलेंगे जो कि इंस्टॉल हुए हैं सेम लाइक ओरिजिनल की तरह। स्ट्रैप लॉक मिलेगा आपको। यहाँ की फिनिशिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको क्राउन, नीचे सेकेंडरी बटन। क्राउन की खास बात यह है कि भाई, आपके पास जितने भी क्लोन्स हैं ना, सब में टिक 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 घुमाओगे आती है आवाज़। इसमें कोई टिक टिक नहीं है, सेम लाइक एप्पल का जो ओरिजिनल क्राउन होता है ना, बिल्कुल स्मूथ घूमेगा, कोई टिक टिक आवाज़ नहीं आने वाली। और यहाँ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर का स्पोर्ट्स बटन मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी में ये वॉच। जो भी ऑर्डर करना चाहे, नीचे कमेंट में मैं नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप आप आकर वहाँ पर रब्ता करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना केस, इसका ये इसके साथ ऑनलाइन मॉल फ्री देने वाला है। और केस ही नहीं, इसके ऊपर जो ग्लास प्रोटेक्टर जो आता है ना, वो भी आपको फ्री मिलेगा। ये वॉच अभी ऑर्डर करने पर ऑनलाइन मॉल से आपको दो चीज़ें फ्री मिलने वाली हैं, केस और इसके साथ ग्लास प्रोटेक्टर। और ये देखो, ये जो है केस कुछ यूं करके फिट हो जाएगा। ये देखो, ये ओरिजिनल का केस है। बेसिकली ये जो ओरिजिनल आती है ना, सेम ओरिजिनल की साइजिंग पे केस डिज़ाइन हुआ हुआ है। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये देखो, ये एग्जैक्ट 49mm है जो कि ओरिजिनल का साइज़ है। सेम वही आप देख रहे हो, क्राउन भी वहीं आ रहा है, नीचे वाला सेकेंडरी बटन भी वहीं आ रहा है, माउथ पीस भी वहीं पर आ रहा है। और इस साइड की बात की जाए, स्पीकर, सेकेंडरी बटन, ये भी यहीं पर आ रहा है। तो गाइज़, ये अभी ऑर्डर करने पे ये केस तो फ्री मिलेगा, इसी के साथ इसका ग्लास प्रोटेक्टर भी फ्री मिलेगा। तो चलो अब इसके अंदर स्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं। स्ट्रैप जो है स्लाइड होके बहुत आसानी से जाने वाले हैं। ये जो है, ये आपका ये बटन जो है हल्का सा पुश होगा और ये यूं होके ये टिक टिक ख़त्म, ये जाकर यहाँ पर बैठ जाएगा। अब ये यहाँ बैठ गया, आप यहाँ जितनी ताकत लगा लो नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये स्ट्रैप जो है लॉक हो जाएगा। और अगर आपने निकालना है तो आपने ये बटन को पुश करना होगा, पुश करके आप ईजिली स्लाइड करके इसको निकाल सकते हो। तो चलो गाइस, अब वॉच को ऑन करते हैं। और वॉच जो है ना, ऊपर वाले बटन से ऑन होने वाली है, वो हमने पुश करके रखना है। और अब चेक करते हैं कि क्या लोगो आता है। सबसे पहले आपको हेलो वेयरफिट प्रो पढ़ने को मिलेगा, ये सेटिंग करने को बोल रहा है। ये देखो आप, स्मूथ कितनी है वॉच। इंग्लिश में हमने आगे करना है, कंटिन्यू, सेट वॉच लैंग्वेज टू इंग्लिश, यस। और ये कनेक्ट करने को बोलेगा आपको मज़ीद। यहाँ पे स्किप QR कोड, आप कनेक्ट कर लिया आपने और मज़ीद आगे बढ़ाओगे। यहाँ पे बोलेगा डिस्प्ले स्क्रीन में क्या है भाई, डिजिटल क्राउन है, डिस्प्ले स्क्रीन। ये आप देखो, जैसे कि ओरिजिनल आती है ना वॉच, डब्बा बैग आप खोलते हो, वो सब चीज़ें ऐसी बता रही होगी एक एक चीज़। यही चीज़ आपको देख रहे हो एग्जैक्टली इसमें मिल रही है, बिल्कुल भाई सिमिलर है ओरिजिनल जैसी ही एक मैं कहूँगा।
ये सेम आपको इसके अंदर वही ट्रांजिशन डिजिटल क्राउन पे आएंगे तो आपको एक क्राउन के हवाले से बताएगी कुछ इस तरीके से कि क्राउन किस तरीके से वर्क करेगा जूम इन जूम आउट के हवाले से। और यहाँ पर साइड बटन का भी ऑप्शन है, ये साइड बटन की वर्किंग भी बताएगी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये देख रहे हो आप, लॉक करोगे सीरी कैसे ऑपरेट होगी, गूगल वॉइस कमांड अली पे कैसे ऑपरेट होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ये हम ओके करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और अब वॉच जो है बिल्कुल अपनी होम स्क्रीन पे आ चुकी है, जब तक मैं इसकी टाइमिंग सेट कर लेता हूँ। तो गाइस सबसे पहले वॉच फेस चेक करते हैं, फिर मैं आपको इसके प्रोसेसर के हवाले से ही बताता चलूँगा कि भाई क्या गेम है इसमें। ये देखो इसके अंदर ये जो है आपको दूसरा मिल जाएगा वॉच फेस, कलर भी चेंज हो रहे हैं। ये आप दूसरा वॉच फेस देखो, बहुत ही स्मूथ वॉच है। स्मूथ वॉच होने की वजह ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है वो इसके अंदर प्रोसेसर जो हुआ है वो डुअल कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर ये पहली वॉच है जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी यूज़ हुआ हुआ है, और इसके हवाले से भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें इसका वॉच फेस, और 1 2 3 और ये 4 वॉच, चौथा वॉच फेस। इसकी एक एक चीज़ वर्किंग में है। यहाँ पर मैं वेदर पर क्लिक करूँगा, वेदर खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉच क्या स्पीड में, और यहाँ पे मैं इसकी एप्लीकेशन के हवाले से ये खोलूँगा तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैसेज के हवाले से भी अगर मैं यहाँ पे जो मैसेज बना हुआ है वो भी ओपन हो जाएगा। अगेन मैं आपको एक एक चीज़ जो है हार्ट रेट के हवाले से, तो ये भी सारी चीज़ आपको यहाँ पर चेक करने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। तो अब बात करते हैं इसके अलावा वॉच फेस, आपको 3 ये 4 था और ये 5, ये 5 वॉच फेस है। पांचवा वॉच फेस आपको जिस तरीके से मिलेगा, स्मूथ देख रहे हैं आप वॉच, कितनी स्मूथ वॉच है यार, मज़ा आ गया है इसको तो यूज़ करके। इससे तो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। अच्छा बात करते हैं इसके अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा हुआ है। इस वॉच में जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो SF32LB55X यूज़ हुआ है। फैमिली इज़ अ हाईली इंटीग्रेटेड MCU डिज़ाइन फॉर अल्ट्रा लो पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनल ऑफ थिंग एप्लीकेशन। ये आप देख रहे हैं सारा कॉर्टेक्स M3 स्टार CPU, हाई परफॉर्मेंस 2.5D ग्राफिक इंजन। जो मेन चीज़ है मैं आपको बोल रहा था इसमें ग्राफिक कार्ड के हवाले से, जो ग्राफिक कार्ड यूज़ हुआ है ये प्रोसेसर हुआ है। अच्छा जितनी भी वॉचेस आती हैं ना उनमें इतना हाईली प्रोसेसर किसी में भी नहीं होता। तो आप देखिए इसका वॉच फेस कितना स्मूथ है यार, ये किसी वॉच में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा अब बात करते हैं कि भाई जैसे ही मैं इसकी मेन्यू, इसकी ट्रांजिशन जो है वो बहुत फास्ट है। ये देखो सेम लाइक ओरिजिनल, ये देखो मेन्यू देख रहे हैं आप सेम लाइक ओरिजिनल जैसा। और स्पीड देखें आप, वॉच की स्पीड बहुत फास्ट है। दूसरा ये स्पोर्ट फंक्शन के लिए बटन दिया हुआ है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये वेयर फिट की प्रो की पहली वॉच है जिसमें आपको 3 नीडल्स का देखने को मिलेगा, वो भी हम आगे जाके इसके मजीद फंक्शन के हवाले से बात करेंगे। तो जनाब ये स्पोर्ट्स के ऑप्शन ऑन हो गए, स्पोर्ट्स में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये स्पीड आप चेक करो यार, ये किसी वॉच में नहीं मिलने वाली गाइस। और मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी यहाँ पे खोल लेता हूँ स्पोर्ट्स, ये देखो आप बहुत ही स्मूथ यार, मतलब ऐसा लगेगा कि तुम लोग ओरिजिनल चला रहे हो। एक अच्छी वॉच आप मांगते हो तो भाई ये आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। और देखें अब इसमें काफ़ी हद तक जो काफ़ी ऑप्शंस जो है ना वो वर्किंग में, और वर्किंग भी उनकी बेतहाशा बिल्कुल एक्यूरेट है। कैलोरीज वगैरह ये बताएंगे यहाँ पे। भाई मैं हमेशा बताता हूँ हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर के हवाले से कि इनके ऊपर यकीन नहीं करना, लेकिन इस कंपनी ने कहा, इस वॉच में इन्होंने कहा है कि हमने काफ़ी बेहतर किया गया, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ के हवाले से रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर के लिए वॉच का यूज़ करो। ठीक है अब मेन्यू की बात करी जाए कि यार ये आपको लैग फ्री जो है वो कितना, कैसे पता चलेगा कि कितना फास्ट है। ये देखो ये सेम लाइक ओरिजिनल जैसा, ये ऑप्शन किसी में नहीं मिलेगा। आप जूम, ये देखो अब, ये देखो अब मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा। अब आप देखें इसके आइकन्स देखें, इसके कलर्स चेक करें, और आप देखें आप यार ये हाथों में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा भाग रहा है ना बिल्कुल, बोले तो टनाटन। अब आप ये देखें जो इसकी सेंटर में जो क्लॉक है उसकी भी निडिल जो है ना वो वर्किंग में, ये देखें बिल्कुल वर्क कर रही है। अगर ये मेरा कैमरा आपको सही फोकस करके दिखा रहा हो, और अगर मैं आपको अगेन दिखाता चलूँ इसके हवाले से, ये देखें स्मूथनेस के हवाले से, और इतना लैग फ्री मेन्यू जो है ना यार, ये याद ओरिजिनल में आएगा देखने में, कॉपी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ किसी क्लोन के अंदर। ये देखें आप, और इसके आइकन जो हैं सेम लाइक ओरिजिनल जैसे हैं, ये देखें आप। और जैसे ही जूम इन करोगे आप, जो होगा वो आइकन ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रीथ वाला ऑप्शन देख लो, जो ओरिजिनल वॉच का एप्पल वॉच का यूज़र है वो समझ गया है कि यार इसकी जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है।
अच्छा गाइज, आपको इसमें ना ये मैंने वॉच कनेक्ट कर लिया मोबाइल के साथ, ये देखो नोट रेड डॉट देखने को मिलेगा जैसे ही, क्योंकि ये इंडिकेशन है कि वॉच कनेक्ट भी है और कुछ मैंने नोटिफिकेशन सीन नहीं करे हुए। रेड डॉट आप देख रहे हो कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ एप्पल वॉच में ओरिजिनल में देखने को मिलता है ये वाला माथे पे कह लो कि एक टीका, तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा ख़ास बात ये है यार, मैं अगर ये ऊपर से स्लाइड करता हूँ अपने नोटिफिकेशंस की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो ये आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का ये डिटेल्स। अब मैं यूँ कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा जैसे ही, ये सारे देख रहे हो आप टैब जितने भी मैसेज आए हुए ना, ये मैसेज सारे मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ इंस्टाग्राम के। यहाँ पर ईमेल आएगी तो ईमेल का अलग टैब आएगा। अब जैसे यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ ये हेलो ब्रो प्राइस प्लीज़ डिलीट वगैरह, मैं करना चाहूँ इसमें जो करना चाहूँ वो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो गाइज और नीचे स्लाइड करने पे आपको इसका कंट्रोल पैनल मिल जाएगा कुछ इस तरीके से जो कि वर्क कर रहा है, और यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए लॉक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बैकअप जेस्चर के हवाले से ऑप्शन मिल जाएगा, टिकटॉक वीडियो रिमोट कंट्रोलर आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको अलीपे के हवाले से ऑप्शन मिलने वाले हैं अलग अलग, और यहाँ बिज़नेस कार्ड आप अपना ऐड कर सकते हैं इस वॉच में बहुत आसानी से, और ये जो ऑप्शन है ये जो है ऐप के साथ सिंक्रोनाइज होने के बाद ही वर्क करने वाला है। इसके अलावा ये अलीपे का ऑप्शन है, इसको बाइंड करने के लिए आपको इसको एग्री करना होगा। इस वॉच में आपको NFC वगैरह सारी चीज़ें मिलने वाली हैं बिल्कुल परफेक्ट, और यहाँ पर आप डो नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन देखते हो। अब ये जो है आप देख रहे हो, मैंने यहाँ रिंगिंग पे क्लिक करा तो मेरे मोबाइल में बेल बजने लगी, तो ये भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ से स्लाइड करने पे आपको इसके शॉर्टकट्स मेन्यू देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे स्लाइड करने पे आप देख रहे हो इसकी ट्रांजिशन कितनी फास्ट है, स्लीप मॉनिटर मिल जाएगा आपको, यहाँ हार्ट रेट के हवाले से बताएगा, हार्ट रेट के हवाले से बताता चलूँ, देखें एक्सरसाइज हार्ट रेट के हवाले से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ पर 76 हार्ट बीट पर मिनट। अगर ये मेजरिंग करना चाह रहे हैं आप तो ये देखें मेरे पीछे हाथ नहीं है, आप देखते हैं मेजरिंग नहीं करेगा ये बस ये लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ये बोलेगा कि यार आप इसको कनेक्ट करो, तो बेसिकली ये कुछ हद तक इसमें सही भी होता है, लेकिन इसके ऊपर आपने रिलाई नहीं करना इसके हवाले से कि हार्ट बीट वगैरह मेजरिंग करने के हवाले से आप कोई भी प्रोडक्ट को बाय करो। सही है, अब बैक पे आते हैं, यहाँ पर स्लीप मॉनिटर आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा रात का कि भाई आपकी नींद कैसी रही, टिकटॉक वीडियो रिमोट कंट्रोलर है, इसकी ख़ास बात ये है कि शॉर्ट्स जो हैं आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड मिल जाता है चेक करने को, म्यूज़िक मिल जाएगा और ब्रीथ रेट मिल जाएगा कुछ चेक करने को इनहेल और एक्सहेल वाला। और दिखाते चलूँ मैं आपको यहाँ पर, तो सबसे पहले वेदर का मैं दिखाता चलूँ, वेदर आपको चेक करने को मिलेगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप देख रहे हो क्या इसकी ज़बरदस्त क्वालिटी है, यहाँ पर पूरा आ गया सैटरडे संडे क्या क्या वेदर चल रहा है और इस टाइम पे क्या चल रहा है, 12 डिग्री और 20% जो भी मॉइस्चर है वो भी बता रहा है इसके हवाले से हवा में क्या मॉइस्चर है कितना है। और अब बात करते हैं इसमें कितने इंटरफेस मिलते हैं आपको, ये वन पहला था डबल क्लिक चेंज, ये आपको दूसरा इंटरफेस मिलेगा, और ये स्पीड आप चेक करो ये किसी वॉच में नहीं मिलेगी आपको, देख रहे हैं आप कितना ही स्मूथ और कितनी फास्ट वॉच है, ये आपको इसकी दूसरे इंटरफेस की ये स्पीड आप चेक करें। और इसके अलावा डबल क्लिक करूँगा तो एक ये बिल्कुल नया किस्म का इंटरफेस आया है, ये आपको चेक करने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से कंट्रोल होगा। टोटल आपको इस वॉच में तीन इंटरफेस देखने को मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का इसका डिस्प्ले में जो ग्राफिक कार्ड है जो 60 हर्ट्ज़ की ग्राफिक प्रोवाइड कर रहा है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वॉच में अगर आईफोन है तो सिरी ऑपरेट होगा, और अगर एंड्रॉयड है तो ये आप देख रहे हैं हेलो सिरी हाउ आर यू, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिक्सबी खुल गया क्योंकि ये सैमसंग का फ़ोन है और बिक्सबी सपोर्टेड है, गूगल वॉइस कमांड पे ऑपरेट होगा तो आईफोन है तो सिरी ऑपरेट हो जाएगा, गूगल वॉइस कमांड में या तो फिर एंड्रॉयड में गूगल वॉइस कमांड या बिक्सबी ऑपरेट होगा। और मैं आपको इसकी सेटिंग का भी डेमो देता चलूँ, इसकी सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं भाई, ये आप देख रहे हैं इसकी सेटिंग्स में सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं है तो यहाँ से भी आप कनेक्ट करके अपना जो भी रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पर आकर ऑपरेट कर सकते हैं। सही है, और इसके अलावा बात करी जाए तो सेटिंग्स में नोटिस का ऑप्शन मिलता है, रेड डॉट अलर्ट जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है कि रेड डॉट अलर्ट अगर आप हटाना चाहो तो यहाँ से हटा भी सकते हो, नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट भी आप लगाना चाहो ऑप्शन ऑन करना चाहो लगा सकते हो, और बाकी ये नोटिफिकेशन कंटेंट भी आप हटा सकते हो या ये सारे इसके ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
इसी तरीके से हम इसके यूनिवर्सल ऑप्शन में आपको अबाउट दिस मशीन वॉच के हवाले से जानने को मिलेगा। ब्लूटूथ नेम है एचकेट प्रो, फर्मवेयर सारी चीज़ें, बिल्ड डेट आप देख लो, ये सबसे पहले इंपोर्ट करके पाकिस्तान में हमने ये आपको चेक करवा रहे हैं। अच्छा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा। बिसाइड लैम्प क्लॉक का ऑप्शन है, लैन वीज आपको काफ़ी सारी मिलने वाली हैं, जो भी आप ऑपरेट करना चाहते हो अपने हिसाब से। देख लो यार, इतनी सारी लैन वीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली हैं सिवाय इस वॉच के। बैकअप स्क्रीन के हवाले से ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन पे बैकअप रखना है, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर, ये बैकअप स्क्रीन के हवाले से रिस्ट टू बैकअप यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करी जाए, लैंग्वेज सेटिंग्स भी दिखा दी, बैकअप स्क्रीन भी, बिसाइड लैम्प क्लॉक, कनेक्ट यूर फोन के हवाले से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसका QR कोड ये है, और वॉच को अगर कनेक्ट करना है तो उसका QR कोड आपको ये वाला देखने को मिलेगा। डिस्प्ले इसका बहुत, कलर रेजोल्यूशन बहुत जानदार है, रीस्टोर का ऑप्शन मिलता है, रिबूट भी कर सकते हैं, और शट डाउन करने के हवाले से भी आपको ऑप्शन मिलेगा। डो नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन है, ये देखने को मिलेगा आपको। ब्राइटनेस आपने हिसाब से डिम जो भी कम रखना चाहते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और ज़्यादा रखनी है ये देखो यार कुछ इस तरीके से वर्क करेगा ये। और स्क्रीन ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा जो है इसका 30 सेकंड्स का है, और ये देख रहे हो आप कितना, ये भी कितना फास्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। ऑलवेज ब्राइट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो इसके अंदर ऑफ फीचर है वो सबसे ज़्यादा जो आपको मिलता है वो 20 मिनट्स का मिलता है। अमूमन दूसरी वॉचेस में आपको ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, ये जो वॉच है एच के 8 प्रो जो है इसी में आपको 20 मिनट्स का मिल रहा है। अमूमन दूसरी वॉचेज जो है वेयरफिट प्रो की, उसमें 2 नडल्स का एक तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, वो भी 10 मिनट्स का। सही है, ये आपको इसके हवाले से ऑलवेज ब्राइट का तो मैंने आपको चेक करवा दिया, बाकी ये आप पढ़ लें यहाँ से, आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करी जाए, ऐप व्यू का ऑप्शन मिलता है, मैंने आपको बताया 3 किस्म के इस वॉच में इंटरफेस आपको मिलने वाले हैं, सेलुलर लिस्ट और सडोकू मेनू। सही है, और ऐप व्यू तो ये हो गया, ये साउंड एंड टच के हवाले से भाई साउंड कितनी आपने चाहिए वॉच में, और कॉल रिंगिंग, पावरफुल क्रिएट, ये बहुत सारे इसके अंदर इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। टैक्टिकल फीडबैक क्राउन, टैक्टिकल फीडबैक यानी कि भाई ये आपको क्राउन जो है ना टैक्टिकल फीडबैक दे, इसके हवाले से आपको इसको भी ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे पासवर्ड भी अपनी मर्जी से जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, इरेज डेटा भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा रिस्क डिटेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, ये सब आप पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। वीडियो वैसे ही बहुत सारी लंबी हो रही है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ये बैटरी आप देख रहे हो, ये इसी वॉच में मिल रहा है, बैटरी की ड्रेनेज का भी सिस्टम बताएगा। लास्ट चार्ज इसको करे हुए भाई 100% 30+ डेज अगो हो चुके हैं, मतलब 30 दिन पहले इसको लास्ट चार्ज किया गया था, जब ये मैंने चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम लोगों ने इंपोर्ट करवाई थी, उसके बाद की सबसे पहले आप ही के सामने ओपन करिए, और ये इस बात की गवाही है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा। ब्रीथ के हवाले से आपको ऑप्शन मिलेगा, ब्रीथ रेट का, ये हार्ट बीट पर मिनट, और ये ब्रीथ टच, ये अलग ऑप्शन है। स्लीप मॉनिटर के हवाले से आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, ऑप्शन से भरपूर भरी हुई वॉच है। स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स के रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे काफ़ी सारे मेजरमेंट्स के लिए, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कैलोरीज में करनी है, किलोमीटर माइल्स में जिसमें करनी है वो आपने हिसाब से कर सकते हो। हार्ट रेट के हवाले से भी ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, टाइम टू टाइम ऑप्शन से बिल्कुल भरी हुई वॉच है भाई। और यहाँ पर एक्टिविटी रिकॉर्ड आपको देखने को उसके हवाले से मिल जाएगा, स्टैंड रिमाइंडर, डे रिमाइंडर के हवाले से। तो ये लास्ट ऑप्शन था एक्टिविटी रिकॉर्ड, और यहाँ पर सेटिंग्स ऑफ ख़त्म होती हैं। आप ये देख रहे हो ट्रांजिशन, ये देखो मैं जैसे इसका यहाँ से बैक पे आ रहा हूँ, ये मेन्यू कैसा आ रहा है ना ज़बरदस्त, ये चीज़ देख रहे हैं आप। हार्ट रेट का ऑप्शन मिल रहा है, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, स्पोर्ट्स का, स्लीप मॉनिटर, प्रेशर, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, फ़ोन कॉल का ऑप्शन मिल रहा है। कॉल भी आपको मैं चेक करवा दूं, आप यहाँ पे डायल पैड आ गया, आपका डायल पैड का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी सिंक्रोनाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, एप्लीकेशन से रिसेंट कॉल का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर सीरी मिल रहा है, म्यूज़िक कंट्रोल मिल रहा है, वेदर, अलार्म क्लॉक में क्या मिलता है, अलार्म अपने हिसाब से जो भी टाइमिंग है एडजस्ट करना चाहो अलार्म लगा सकते हो। स्टॉप वॉच मिल रही है, ब्रीथ टाइमर, मैट में आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा अपने हिसाब से। कैलकुलेटर आपको इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसे कि आईफोन के ओरिजिनल में कैलकुलेटर आपको देखने को मिलता है, सेम एज इट इज़ आपको इसमें भी ऐसे ही मिलेगा। तो ये बैग हो गया। मैसेज के आपको कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर चेक करने को मिल जाएंगे, जैसे कि लास्ट टाइम ये आ रहा है कि विंशा खान ने प्राइस पूछे हैं, प्राइस प्लीज़ के हवाले से, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में भी ये भी देख सकते हैं। स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, तमाम सोशल ऐप के नोटिफिकेशन आपको इस वॉच में मिलने वाले हैं। अली पे, सेटिंग्स, ब्लड शुगर भी मिल जाता है, रेस्पिरेटरी रेट भी चेक कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो रिमोट कंट्रोल भी है, वो किस तरीके से ऑपरेट होता है वो भी दिखा देते हैं।
शॉर्ट वीडियो रिमोट कंट्रोलर आप देखें, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये नीचे मोबाइल रखा हुआ है आप देख रहे होगे। अगर मैं लाइक करना चाहूँ, ये देख रहा हूँ मैं यहाँ लाइक दे रहा हूँ, और ये मोबाइल को मैं सही से कैमरा मैन से बोलूँगा दिखाएँ आपको, ये देखें कुछ यहाँ आपको लाइक का वो दिख रहा है। और यहाँ से हम वॉल्यूम बढ़ाना चाहें तो अप डाउन जो करना चाहें, वॉल्यूम अप डाउन सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको थ्री निडेज का मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कितना डार्क और ज़बरदस्त सा क्लियर सा। इसमें टाइमिंग मैंने बहुत ही कम सेट करी हुई थी, इसीलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो टाइमिंग है वो आउट हुई हुई है। 20 मिनट्स का आपको इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा। इसकी एप्लीकेशन में आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस मिलने वाले हैं, तो मैं वो आपको, और वो भी इसकी एप्लीकेशन में आप फ्री हैं काफ़ी सारे वॉच फेसेस, तो उसमें से मैं कोई आपको लगा कर चेक करवाता हूँ कि भाई चलो, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट करा, इसको इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं भाई ये कितनी देर में इंस्टॉल होता है। ये आप देख रहे होंगे वॉच में ये आपको सर्कल बना हुआ देखने को मिल रहा है, और ये यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग हो रही है, जब तक आपको लॉग होता है तो चेक करवाते हैं। तो ये वॉच फेस मैंने इसमें लगाया था, ये आप देखें इंस्टॉल हो चुका है। इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है, खूबसूरत सा लुक प्रोवाइड कर रहा है ये। तो गाइस अब इसमें मैं आपको कलर दिखाते चलूँ जो ऑनलाइन मॉल के पास अवेलेबल हैं, जो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये इसमें एक येलो कलर आता है, और दूसरा इसमें आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, तीसरा आपको इसके अंदर ग्रे कलर मिल जाएगा ऑनलाइन मॉल के पास से। नीचे मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, व्हाट्सअप आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और चौथा आपको ग्रीन, और जो पांचवा कलर है वो तो आपने देख ही लिया है गाइस, और जो कि है ऑरेंज कलर, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जिसका लुक अच्छा। गाइस मैं आपको इसके वॉच फेस के हवाले से भी ऑप्शन दिखाता चलूँ कि आप इसमें इंस्टॉल अनइंस्टॉल के हवाले से, जैसे आप इसमें क्लिक करके रखोगे ये वॉच फेस, आप अनइंस्टॉल करके इसकी जगह इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आपको अपने हिसाब से बेहतर लगता है। स्पीड आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर भी, एक वॉच तो मैंने इसमें से अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख ली है, जो कि ब्लैक कलर है। और इसमें ये स्ट्रैप देखें 49mm के, कोई भी आप लगा सकते हैं। अब इसमें पासवर्ड मैंने लगाया हुआ है, जैसे मैं पासवर्ड लगाऊंगा वॉच ओपन हो जाएगी। और इसमें आप कस्टम वॉच फेस देखें, मैंने इसके अंदर जैसे उसमें ये लगाया था, ये वाला ऑरेंज वाला वॉच फेस लगाया हुआ है कस्टम में, ये वाला। और इसमें आपको ये वाला देखें, ये वर्किंग वाला है, देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरीके से इसकी ग्राफिक्स है और इसकी इस तरीके से। तो गाइज इंतज़ार नहीं करें, अभी ऑर्डर प्लेस करें व्हाट्सएप पर रब्ता करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्जिंग किस तरीके से शो होती है, चार्ज करते हुए आपको ये वॉच जो है कुछ इस तरीके से शो करेगी, और इसमें ये फ्री मिलेगा इसके साथ। तो इसके अंदर मैं इस लगा कर और स्ट्रैप भी इंस्टॉल करवा कर चेक करवा देता हूँ आपको। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ाया है, कवर चढ़ाने के बाद इसकी सेफ्टी हो जाएगी, कहीं से भी निशान नहीं आएंगे, और बहुत ही परफेक्ट आपको ये वर्क करती हुई मिलेगी वॉच कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से ये बटन जो है ये वाला भी परफेक्टली वर्क करेगा, स्पोर्ट्स के फंक्शंस आपको बिल्कुल एक्यूरेट वर्किंग में मिलेंगे कुछ इस तरीके से। वेयर करने के बाद बहुत ही सोबर सा और ज़बरदस्त सा लुक प्रोवाइड करेगी। तो गाइज आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वॉच का लुक कैसा लगा और वॉच आपको कैसी लगी। अभी तक की सबसे बेहतरीन जितने भी क्लोन्स आए हैं, सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच है। ऑर्डर करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए हुए कमेंट्स में, व्हाट्सअप नंबर पर। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।